वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BEGLA 135 ब्लॉक 2 द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसका पहला चैप्टर है दैट इज यूनिट 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमने ब्लॉक 1 को कंप्लीट कर लिया है, उसमें 4 यूनिट्स थी जो हम कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरी बुक जो है द वर्ल्ड अराउंड अस ब्लॉक 2, जिसकी पहली यूनिट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो एक और जो आप देख सकते हैं, सेकेंड यूनिट है डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स, थर्ड मनी मैटर्स एंड यूनिट 4 पब्लिक सर्विसेज। तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 1 से। सो आई थिंक इसमें यूनिट 1 में आप इसके नेम से ही समझ रहे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो बेसिकली जो चैप्टर है इसमें कुछ टफ नहीं है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बात हुई है। जैसे कि हर चैप्टर की तरह इसमें भी कॉम्प्रहेंशन दिया गया है। ग्रामर में इसमें अपोस्ट्रॉफी का यूज बताया गया है, इसमें भी डिस्क्राइबिंग पीपल राइटिंग में आता है, प्रोनंसिएशन हर चीज वही है, बस यहाँ पे आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के ऊपर जानने में मिलेगा। तो सबकी फैमिलीज होती है, सबकी फ्रेंड्स होते हैं, तो उसी के बेस पे चैप्टर है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हर बार की तरह इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, आपको एक कॉम्प्रहेंशन दे रखा है और सन द बिटवीन एजर। सो मैं हर बार की तरह इस बार भी आपको कॉम्प्रहेंशन नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आपको ये खुद करना है। अगर आप हर यूनिट में एक एक कॉम्प्रहेंशन खुद करेंगे तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आपको कुछ नहीं करना है, इसे अच्छे से रीड करना है एंड आपको फिर ये जो क्वेश्चन है ना सॉल्व करना है। और इसे आप इजिली मत लीजिए, ये जरूर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको कह रखा है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगी। सो जो आपका चेक योर प्रोग्रेस वन है वो यही पैराग्राफ है, यही आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन करना है। अब हम आते हैं 1.3 वोकैबुलरी पे। सो ये जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है, ये भी आपका रिलेटेड पैराग्राफ से ही है, पैसेज से, बट मैं आपको ये करा देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, हमने एक और यूनिट में किया था, जो यहाँ पे आपको वर्ड्स दे रखे हैं उसी के सेम मीनिंग से आपको पैसेज से वर्ड निकालने हैं। यहाँ पे आपको 8 वर्ड दे रखे हैं, सो हम इसे कर लेते हैं। मैं आपको इसमें से कुछ बता देती हूँ, कुछ आप खुद करेंगे क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस। जैसे कि हमारा सबसे पहला है क्रीवल स्ट्रेंथ। क्रीवल स्ट्रेंथ कह सकते हैं एक तरीके से दुष्ट, नेगेटिव स्ट्रेंथ टाइप, जिसका पैसेज से मीनिंग है ब्रूट फोर्स। देन हमारा सेकेंड है इंसल्टिंग एक्शन। इंसल्टिंग एक्शन का पैसेज से मीनिंग है एफ्रॉन्ट, AFFRONT। देन कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ ऑर्डर, जब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं चाओस, CHAOS। देन वुंड यानी घाव, जिसके लिए पैसेज से एक और वर्ड है सोर, SORE। देन रेड स्पॉट ऑन द स्किन, दैट इज रैशेज, रैश। देन थिंग्स लाइंग अराउंड इन अनटाइडी वे, मीन्स जब चीजें ऐसी पड़ी होती हैं इन अनटाइडी वे तब हम बोलते हैं लिटर्ड। टू स्पीक क्लियरली, जब हम बिल्कुल साफ बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं, दैट इज डिस्टिंक्टली। एंड प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर ऑफ अमाउंट, जब कोई चीज बहुत कम अमाउंट में होती है देन वी से स्पार्स, SPARSE। सो ये सब पैसेज से है, जो आगे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी पैसेज से है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि कभी कभी जो हमारी नाउन होती है वो वर्ब में यूज होती है। यहाँ पे आपको दे रखा है हाउएवर इन द सेंटेंस अबाउट वाटर इज यूज्ड एज अ वर्ब, नाउ लुक एट सम मोर सेंटेंस वेयर इज नाउन यूज्ड एज अ वर्ब। बेसिकली नाउन क्या होती है, ऑलरेडी नाउन एंड वर्ब की वीडियो अपलोडेड है, फिर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। नाउन बोलते हैं किसी भी नेम थिंग को, जिस चीज का भी नाम है वो नाउन होनी है। एंड वर्ब हम बोलते हैं एक्शन को, जो हम काम कर रहे हैं। तो कभी कभी किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब की तरह यूज होती है, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है वी मोटर डाउन द बेल्जियम। एक्चुअली जो मोटर्ड है वो नाउन है, पर यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, हम बेल्जियम को मोटर डाउन कर रहे हैं। सो यहाँ पे मोटर्ड वर्ब की तरह यूज हो रही है। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस है, मीन्स एक ब्लॉक दे रखा है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं एंड आपको ये इसमें फिल करने हैं। ये है ओरिजिनली नाउन, बट आपको यहाँ वर्ब की तरह फिल करना है, जैसे कि हु विल डैश द टीम। सो यहाँ पे हो जाएगा हु विल कैप्टन द टीम। अब यहाँ पे कैप्टन आपका नाउन है, लेकिन जब आप यहाँ लिखेंगे हु विल कैप्टन द टीम, सो यहाँ पे एक्शन कैप्टन हो रहा है, सो वो वर्ब हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाला है ही डैश द स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सो ही ट्यूटर्स द स्टूडेंट इन मैथ्स एंड सॉरी फिजिक्स एंड मैथ्स, बेसिकली वो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाता है ट्यूटर। देन थर्ड ही डैश द प्लेन इन अ मोस्ट स्किलफुल मैनर, सो ही पायलट्स द प्लेन इन अ मोस्ट स्किलफुल मैनर। देन द बली डैश मी आउट ऑफ द वे, सो द बुली एल्बो मी आउट ऑफ द वे। देन द लास्ट वन, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही हैड टू डैश ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली, सो आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही हैज टू शोल्डर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। सो यहाँ ये जितने भी वर्ड थे ये सब ओरिजिनली नाउन थे, बट हमने एज अ वर्ड इन्हें यहाँ फिल किया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज लिसनिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, हर यूनिट में आपको एक ऑडियो दिया होता है जिसे आपको सुनना होता है, देन आपको आंसर्स करने होते हैं क्वेश्चन, वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है।
सो आप उसे खुद करेंगे। अब ये जो आपको नीचे दे रखा है ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। फिर मैं आपको बता देती हूँ उसे करना क्या है। आपको उसी ऑडियो में जो आपको ऑडियो दे रखा है जब आप उसे पढ़ेंगे तो ये आपका आएगा पोजिशन इन फैमिली, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बेसिकली इसमें एक फैमिली वाला चैप्टर है, सो आपको पूरे फैमिली मेंबर्स बताए गए हैं और आपको बताना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में दे देती हूँ तासिया। सो तासिया सबसे बड़ी है, एल्डेस्ट है तीन सिस्टर्स में। वैसे ही रीनी सबसे छोटी होगी जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे। सो पहले तो आपको उनको आपकी पोजीशन लिखनी है, वो फैमिली में क्या है, सबसे बड़े हैं, बीच के हैं, सबसे छोटे हैं। फिर आपको ये बताना है बड़े होने का एडवांटेज क्या होता है एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। इसी तरीके से जब आप पूरा वो ऑडियो पढ़ेंगे एंड जब आप पढ़ लेंगे, जब आप इसे करेंगे सो आप कर सकते हैं। बेसिकली आपकी प्रैक्टिस कर लिए सो आप इसे खुद करिए। लेकिन मैं फिर कहती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्पीकिंग चेक योर प्रोग्रेस 4। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 स्पीकिंग, ये भी आपके लिए एक तरीके से डू इट योरसेल्फ। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बताना है कि आपकी अपनी फैमिली में आपकी कौन सी पोजीशन है सिबलिंग्स में, मीन आप भाई बहनों में क्या हो, सबसे बड़े हो, छोटे हो, बीच के हो या जो भी हो, आपको उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है। अगर आप सबसे बड़े हो तो आपको एडवांटेजेस क्या है एज वेल एज डिसएडवांटेजेस क्या है, और फिर आपको इसके बारे में एक शॉर्ट एक मिनट की स्पीच प्रिपेयर करना है और आप उसे बोलना है। ये आपको इस तरह दे रखा है क्योंकि बहुत से लोग स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। अक्सर देखा है जब स्कूल में भी एक्टिविटीज होती है सो दे गॉट नर्वस। तो ये आपकी सिर्फ स्पीकिंग स्किल के लिए है। अब हम आते हैं आगे ग्रामर पोर्शन में। सो ग्रामर में यहाँ पे हमें मिला है द अपोस्ट्रॉफ, अपोस्ट्रॉफी। नाउ अपोस्ट्रॉफी का कहाँ कहाँ यूज होता है, सो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताती हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के, अपोस्ट्रॉफी का यूज होता है किसी चीज की ओनरशिप दिखाना। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है द रेजर बिलोंग्स टू द फादर, वो जो रेजर है वो फादर का है। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज फादर्स रेजर। सो बेसिकली अपोस्ट्रॉफी किसी चीज की रिलेशनशिप को शो करता है एंड वो जिस चीज भी होती है, लाइक कोई पेन है अगर वो मेरा है सो मैं बोलूंगी प्रियांशी पेन। सो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी क्या होती है, हम उस वर्ड के आगे कॉमा लगाते हैं ऊपर एंड देन वी राइट एस, सो वो अपोस्ट्रॉफी हो गई। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है द शॉल बिलोंग्स टू द मदर, जो वो शॉल है वो मदर की है, सो दिस इज मदर्स शॉल। सो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में अपोस्ट्रॉफी का कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ, ऑल्दो वो सिर्फ एक रिलेशनशिप शो करता है। अब अगर हम अपने चेकर प्रोग्रेस 5 में आएंगे तो आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे। चेकर प्रोग्रेस 5 में आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिन्हें आपको रीराइट यानी फिर से लिखना है अपोस्ट्रॉफी लगा के। सो यहाँ पे 10 है, सो एज ऑलवेज मैं 5 कराऊंगी फॉर मैं आप 5 आपको 5 कराऊंगी एंड 5 आपको खुद करने है अपनी प्रैक्टिस करनी है। सो जैसे कि पहला है द डांस ऑफ गिस्पीज वॉज डिलाइटफुल, जो उनका डांस था गिस्पीज का वो काफी अच्छा था। सो नाउ आप इसे जब रीराइट करके लिखेंगे अपोस्ट्रॉफी लगा के सो ये हो जाएगा द गिस्पीज डांस वॉज डिलाइटफुल, क्योंकि यहाँ पे डांस किसका हो रहा है गिस्पीज का, सो ओनरशिप यहाँ पे शोन होगी गिस्पीज की। देन सेकेंड वन है द टेल ऑफ द डंकी वेंट अप इन द एयर, जो डंकी की टेल थी वो हवा में ऊपर हो गई। सो आप जब इसे रीराइट करेंगे अपोस्ट्रॉफी लगा के सो ये हो जाएगा द डंकीज टेल वेंट अप इन द एयर, मीन्स जो डंकी की टेल थी। सो नाउ हम करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 5। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको इसे फिर से लिखना है कैसे अपोस्ट्रॉफी लगा के। जैसे कि पहला सेंटेंस है द डांस ऑफ द गिस्पीज वॉज डिलाइटफुल, यानी जो गिस्पीज का डांस था वो काफी अच्छा था। अब हम जब इसे रीराइट करेंगे सो बेसिकली वहाँ क्या होगा, गिस्पीज के लिए डांस था तो हमारा हो जाएगा द गिस्पीज डांस वॉज डिलाइटफुल, जिसके बारे में बात की होती है उसमें अपोस्ट्रॉफी लगती है क्योंकि हम एक ओनरशिप शोन करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, हमारा जो नेक्स्ट है वो है द टेल ऑफ द डंकी वेंट अप इन द एयर। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डंकी की टेल की। सो जो आप इसे रीराइट करके लिखेंगे तो डंकीज टेल वेंट अप इन द एयर, सो बेसिकली बस आपको ये देखना है बात किसकी हो रही है एंड देन आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला। सो हमारा थर्ड वाला है दिस बॉक्स बिलोंग्स टू रवि, ये वाला जो बॉक्स है वो रवि को बिलोंग करता है। सो बिलोंग किसे करता है, रवि को। सो हो जाएगा दिस इज रवीज बॉक्स, ओके, क्योंकि वो रवि का बॉक्स है सो दिस इज रवीज बॉक्स। देन हमारा फोर्थ वाला है वेर इज द बैग दैट बिलोंग्स टू मिस्टर रिजवी, वो बैग कहाँ है जो बिलोंग करता है मिस्टर रिजवी को। सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बैग के बारे में जो मिस्टर रिजवी का है। सो ये हो जाएगा वेयर इज मिस्टर रिजवीज बैग। लास्ट वाला देख लेते हैं क्योंकि बचे हुए 5 आपको अपने आप करने हैं। लास्ट है द स्पीड ऑफ द कार वॉज अमेजिंग, जो कार की स्पीड थी वो काफी अमेजिंग थी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कार की स्पीड की। सो हो जाएगा द कार स्पीड वॉज अमेजिंग। अब जो बचे हुए 5 है आप उसे खुद करिए पहले, देन आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम आते हैं नीचे चेक योर प्रोग्रेस 5 के सेकंड क्वेश्चन में। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था ये चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको एक फैमिली ट्री दे रखी है।
फैमिली ट्री बेसिकली पूरी एक ट्री होती है जो रिप्रेजेंट करती है फैमिली को, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सारा एंड रुस्तम। नाउ सारा रुस्तम के जो चाइल्ड थे वो थे फराह, रॉबिन, सोहेब, ठीक है। देन फराह ने शादी की फ्रेड से एंड सोहेब ने शादी की एलिस से। रॉबिन उनका चाइल्ड था। नाउ फराह एंड फ्रेड के चाइल्ड थे अली, बॉब, रीता एंड सोहेब एंड एलिस के चाइल्ड थे टॉम एंड सुशी। सो यहाँ पे आपको पूरी एक ट्री दे रखी है। आपको करना क्या है, आपको कोई ऐसे 5 क्वेश्चंस बनाने हैं अपोस्ट्रॉफी यूज करके। जैसे कि पहला आपके लिए दे रखा है हु आर अलीज पेरेंट्स, तो यहाँ पे अलीज पेरेंट्स में अपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है एंड फिर उसका आंसर भी दे रखा है फराह एंड फ्रेंड आर अलीज पेरेंट्स। सो ये 5 आप खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करेंगे। एक मैं आपको और बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हु इज फराज मदर, फराह की मदर कौन है, फराह की मदर कौन है। सो आप देख सकते हैं फराह की मदर सारा है, सो सारा इज फराज मदर। सो इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फिर हमारे नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ग्रामर में एक और चीज डिस्कस की गई है अपोस्ट्रॉफी के अलावा। अब एक और चीज यहाँ डिस्कस हुई है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। बेसिकली एडजेक्टिव किसी भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं बोलूँ बलून और मैं बोलूँ ग्रीन बलून, तो वो उसकी क्वालिटी है कि वो ग्रीन कलर का है। अगर कोई कार है और मैं बोलूँ क्लीन कार, तो वो उसकी क्वालिटी है कि वो साफ है। सो वो तो हमारे एडजेक्टिव्स हो गए। नाउ एडजेक्टिव्स की 3 हम उसे कंपेयर करें तो 3 चीजें आती हैं जो आपने पढ़ी भी होंगी। पहला पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि हम पढ़ते हैं हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बट अब उसे हम यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो कुछ क्वालिटी डिनोट करती है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव डिनोट सम क्वालिटी, जैसे कि यहीं पे एक एग्जांपल दे रखा है स्वीट। सो मैं बोल सकती हूँ राकेश केक इज स्वीट, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, सो उसके वर्ड से ही कंपैरेटिव में कंपैरिजन होता है। कोई भी दो चीज के बीच में आपको एक कंपैरिजन मिलेगा, जैसे कि स्वीटर। सो मैं कह सकती हूँ रवि केक इज मोर स्वीटर देन राकेश। अब जो राकेश का केक है वो स्वीट था पहले में, सेकेंड वाले में अब रवि का केक ज्यादा मीठा हो गया है राकेश से। सो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। एंड सुपरलेटिव में सीधे हमारी हाईएस्ट डिग्री आ जाती है, जैसे मैं कह सकती हूँ स्वीटेस्ट के लिए मोनाली केक इज स्वीटेस्ट। अब सबसे ज्यादा मोनाली का केक अच्छा है। सो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। पहले हम सीधे बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला राकेश केक इज स्वीट, वो हमारा पॉजिटिव हो गया। फिर मैंने कंपेयर किया कि रवि केक इज मोर स्वीटर देन राकेश एंड एट लास्ट फाइनली मोनाली केक इज स्वीटेस्ट। तो यही हमारी कंपैरेटिव ऑफ डिग्री होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ दे रखी है चेक योर प्रोग्रेस। सो मैं सेम 5 कराऊंगी, अंदर 5 आपको खुद करनी है प्रैक्टिस के लिए, और ये आपको करनी भी है। अब जो इसमें सही फॉर्म एडजेक्टिव होगा वो आपको टिक करना होगा। जैसे कि पहला है द डैश ऑफ द टू विलेजर्स ब्रॉट द बफेलो। सो यहाँ पे हो जाएगा द टॉलर ऑफ द टू विलेजर्स ब्रॉट द बफेलो, द राइट वन इज द टॉलर। जैसे कि फिर नेक्स्ट वाला है हु वॉज द डैश ऑफ ऑल द विलेजर्स। नाउ सब विलेजर्सों में सबसे ज्यादा वाइजेस्ट कौन है, वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। देन हमारा थर्ड वन है द यंग मैन वॉज डैश मैन इन द विलेज बट ही वॉज नॉट डैश। अब यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है। बेसिकली जब हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं तो एक इंसान को डिक्लेयर करता है, सो वो हमेशा सुपरलेटिव लास्ट डिग्री होती है। तो हम बोलेंगे द यंग मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज बट ही वॉज नॉट द क्लेवरेस्ट। देन फोर्थ वाला है द विलेज हेडमैन्स डॉटर वॉज प्रिटी। यहाँ नॉर्मल हमारी पॉजिटिव डिग्री का यूज हो रहा है। एंड एट लास्ट इट वॉज द डैश क्वेश्चन इन द एग्जाम, सो इट वॉज द टफेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम। अब बाकी के जो 5 बच्चे हैं आप खुद करिए और देन आप अपने आंसर मैच करिए और आप देखिए आपको कितना आ गया है। अब इसमें एक और चीज होती है जो आपको नीचे दे रखी है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम ESTE करके ऐड कर देते हैं, जैसे कि कूल, कूलर, कूलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। पर कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम मोर एंड मोस्ट लगा के यूज करते हैं। मींस वो उनमें मोर और मोस्ट ही है ना, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है ग्रेटफुल। सो अब ग्रेटफुल पॉजिटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव में मोर ग्रेटफुल एंड सुपरलेटिव में मोस्ट ग्रेटफुल। ऐसे ही ब्यूटीफुल के लिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे नीचे कुछ अनरूली वर्ड्स दे रखे हैं जिनके कोई रूल नहीं होते, मींस ये ऐसे ही वर्ड्स हैं जो आपको याद करने होते हैं। जैसे कि मच, मच इज द पॉजिटिव वन, मोर इज द कंपैरेटिव वन एंड मोस्ट इज द सुपरलेटिव वन। ऐसे ही गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। सो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे
एक एक्टिविटी दे रखी है, मीन्स एक तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखिए तीन चीजें दे रखी है, कैरेट का हलवा, एक राइस पुडिंग और एक आलमंड डिलाइट, और वहां पे आपको इंग्रीडियंट्स दे रखे हैं कि आपको इतनी इतनी चीजें चाहिए। उसी के बेस में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, मैं एक दो आपको करा देती हूँ ब्लैंक्स, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कैरेट हलवा हैज द डैश नंबर ऑफ इंग्रीडियंट्स, सो कैरेट हलवा में आप देखेंगे सबसे ज्यादा है, सो कैरेट हलवा हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंग्रीडियंट। इट हैज डैश शुगर देन द राइस पुडिंग, सो इट हैज मच मोर शुगर देन राइस पुडिंग। अब देखिए राइस पुडिंग से ज्यादा है तो मोर, लेकिन आलमंड डिलाइट में उससे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मोर है। अगर सबसे ज्यादा कर लिए मोस्ट एंड कंपेरेटिव कर लिए मोर। इसी के बाद आलमंड डिलाइट हैज बटर इन इट, सो इट इज लाइकली टू बी द रिचेस्ट वन। इट इज ऑल्सो हैज द मोस्ट शुगर, अब आलमंड डिलाइट में सबसे ज्यादा थी तो मोस्ट शुगर। तो मैं आपको इसके लिए पूरा रीड कर देती हूँ इस आंसर के साथ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आलमंड डिलाइट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डिश, वेयर एज द राइस पुडिंग इज द चीपेस्ट। द कैरेट हलवा वुड कॉस्ट लेस देन द आलमंड डिलाइट बट मोर देन राइस पुडिंग। द कैरेट हलवा इज टेस्टी, द राइस पुडिंग इज टेस्टियर बट द आलमंड डिलाइट इज द टेस्टीएस्ट। सो बेसिकली आप जब पैराग्राफ अच्छे से रीड करिए ना, एक बार आप इसे ऑर्डर में पढ़िए, सो आप इसे कर लेंगे। देन हमारा आता है राइटिंग डिस्क्राइबिंग पीपल, राइटिंग वाले पोर्शन में डिस्क्राइबिंग पीपल। तो बेसिकली हम ये पुरानी यूनिट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको एक तरीके से दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, फेयर है, क्लोज क्रॉप्ड है, कर्ली है, लॉन्ग है। सो आपको ऐसे एक पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप उसे जानते हो, जो इस तरीके की क्वालिटीज उसमें इस तरीके की क्वालिटीज हो। यहाँ आपको कुछ सिचुएशन दे रखी है, जैसे कि पहला वो क्वाइट ओल्ड है एंड ही हैज थिक ग्रे हेयर और उसकी बसी मॉस्टेज है, मॉस्टेज मीन्स मूछे हैं, फेस रिंकल्ड है। तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दे रखी है, सो पीपल को डिस्क्राइब करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ये लेटर मीन्स सॉरी ये पेपर में इस तरीके से आता है दो तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपको ये खुद करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर कुछ क्वालिटीज दे रखी हैं एंड देन आपको इससे उसे मैच करना है। और ये किसके बारे में दे रखी है, थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में। सो बेसिकली आपको ये एग्जाम्स में दो तरीके से आता है, या तो आपको उनकी फोटो दे दी जाती है और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं कि वो इस यहाँ पे बॉर्न हुए थे, इस डेट को बॉर्न हुए थे, उन्होंने ये किया, और आपको फिर उसे पूरा अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके लिखना होता है। सो डिस्क्राइबिंग पीपल में कुछ नहीं होता, बस आपको जो दे रखा होता है उसी को आपको डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा होगा जो आपको खुद करना है, और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज अबाउट एनी पर्सन यू नो। कोई भी आपको एक पर्सन के ऊपर उसको डिस्क्राइब करना है, आप कोई भी एक पर्सन ले सकते हैं, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आपसे क्यों क्या बिलोंग करता है, आपका क्या लगता है, देन आप उसके फेस को उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हो और आपके लिए वो कितने मायने रखता है, इस तरीके से आपको ये करना होगा। जैसे कि अगर आप चाहें तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए। जैसे कि आज मैं यहाँ पर एक सैम्पल आंसर में जो आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देती हूँ। आज टुडे आई विश टू राइट अबाउट माई ब्रदर, आज मैं अपने ब्रदर के बारे में लिखना चाहती हूँ। ही इज 2 ईयर ओल्डर देन मी, ही हैड अ राउंड एंड चबी फेस, जैसे कि मैंने आपको कहा उसे डिस्क्राइब करने के लिए। ही हैज बशी आईब्रोज एंड थिक ब्लैक हेयर, ही ऑलवेज हैज अ ट्विंकल इन हिज आई, ही हैज अ स्ट्रांग एंड डिटरमाइंड लुक ऑन हिज फेस। तो इसी तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। देन हमारा लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रोनंसिएशन, हर बार की तरह इस बार प्रोनंसिएशन में हम साइलेंट लेटर डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जैसे कि आप पहला वाला देख सकते हैं, इस वाले पहले वाले में बी साइलेंट होगा जब मैं इसे अभी आपको रीड करूंगी। जैसे कि एग्जाम्पल में थम हम बोलते हैं अपने अंगूठे को, लेकिन जब मैं थम बोल रही हूँ सो बी प्रोनंस नहीं होगा, थम एम पे ही रुक जाता है। ऐसे ही कोम, कोम हम बोलते हैं कंघी को, कोम सी ओ एम बोल रही हूँ मैं सिर्फ, बट यहाँ पे बी साइलेंट है। फिर टोम, बोम, क्लाइम, डेप, डाउट, यहाँ सब में बी साइलेंट है। तो यही आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें साइलेंट होती हैं, साइलेंट लेटर्स। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक वर्ड है के इज साइलेंट इन दीज वर्ड, के इज साइलेंट इन दीज वर्ड्स। अब जो मैं पढ़ूंगी आप देखेंगे उसमें के साइलेंट होगा। पहला है नी, नी हम घुटनों को बोलते हैं, सो स्पेलिंग है के एन डबल ई, बट मैं सिर्फ एन डबल ई पढ़ रही हूँ नी। देन नॉक, नॉक खटखटाने को बोलते हैं, यहाँ पे के साइलेंट है, सिर्फ मैं नॉक पढ़ रही हूँ। ऐसे ही नॉप, नाइफ एंड नो हो गया। तो ऐसे ही आपको ये सारे रीड करने हैं, मैं वीडियो आपके बुक में काफी वर्ड दे रखे हैं, आप सब पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जैसे कि लास्ट में डब्ल्यू सब में साइलेंट होगा। अब मैं इसे रीड करती हूँ, जैसे कि सॉ, रॉ, क्लॉ, ब्लो, स्नो, शो। तो
इसमें सब में मैं क्लॉ ब्लो स्नो शो बोल रही हूँ, डब्ल्यू का प्रनंस नहीं आ रहा। ऐसे जो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है राइट, अब ये राइट यानी लिखना होता है, बट यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है, जो मैं प्रनंस कर रही हूँ सिर्फ आर आई टी ई है। देन रेस्ट, रिस्ट, रेक, रैप, तो इस सब में डब्ल्यू साइलेंट है, बट हम स्पेलिंग में लेते हैं। जैसे ही एक और है हु होल हुज हुम, सो सब में डब्ल्यू आ रहा है बट प्रनंस में हु होल हुज हुम आता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेसिकली फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि टॉपिक था एपोस्ट्रॉफी पढ़ा ग्रामर में, एंड देन कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़ी हमने, प्रोनंसिएशन साइलेंट लेटर्स पढ़ा एंड डिस्क्रिप्शंस पढ़ा। हमारे फेसबुक पेज इग्नो गाइडेंस फॉर यू को आप फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट इग्नो गाइडेंस को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दी जाती है आपको इग्नो से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मिलेंगे आपको YouTube के लेक्चर वीडियो। साथ में ही ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप इग्नो गाइडेंस को, इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BEGLA 135 ब्लॉक 2 का यूनिट 2, दैट इज डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स। इसके पहले हमने यूनिट 1 डिस्कस की थी एंड ब्लॉक 1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर हम इस यूनिट की बात करें, सो इस यूनिट में जो हमारा डेली इवेंट्स यानी डेली रूटीन होता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी हम बात कर सकते हैं, हम अपना डेली काम करते हैं उसे हमें प्रॉपर टाइम में करना होगा, अपना टाइम कैसे मैनेज करें, जो हम रूटीन फॉलो करते हैं सबके लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और ग्रामर सेक्शन में लिंकर्स हम डिस्कस करेंगे, एंड फिर वोकैबुलरी आती है, लिसनिंग आता है, राइटिंग आता है। सो ये करके शुरू करते हैं। सो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया गया है कि आप हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी जो डिसिप्लिन होता है हमारी डेली लाइफ में उसे मेंटेन करके रखना, जो जो हम काम कर रहे हैं उन्हें एक इफेक्टिव टाइम में करना। सो स्टार्ट करते हैं हम वार्म अप से। सो बेसिकली इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, और जो उनका तरीका होता है टाइम को मैनेज करने का वो बहुत अलग अलग होता है। मीन जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एक न्यूज़ रीडर, एक न्यूज़पेपर, एक डिलीवरी बॉय। जैसे कि एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय, तो उसे पता है कि उसे किस टाइम पे किस जगह पेपर डालने हैं। आप देखेंगे कि आपके यहाँ पेपर इस टाइम आता है, लेकिन वो सब जगह पेपर देता है एक फिक्स टाइम पे। पोस्टमैन को पता है कि उसे इस टाइम तक यहाँ पोस्ट दे देना है, देन नेक्स्ट टाइम। टीचर पहले से पढ़ के रखते हैं कि उन्हें ये चीज़ आज कंप्लीट करना है। सो हमें भी अपनी डेली रूटीन में सब हमें पता होना चाहिए कि आज हमें क्या करना है, हमें कितना टाइम लगेगा इसे करने पे। मीन सारी चीज़ें इंगेज्ड होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको ऐसे ही पैराग्राफ लिखना है अपनी डेली लाइफ में कोई पर्सन पे जिसका जो टाइम है वो बिल्कुल मैनेज्ड है। अब हम आते हैं आगे। सो यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जो भी आप खुद करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दे रखी है ना, आपको बताना है यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी फॉलो हो रही है। जैसे कि कोई पढ़ रहा है, कोई योगा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट एंड विच ऑफ दिस एक्टिविटी डू यू डू, और आप इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं और कब कब करते हैं। सो ये आपके लिए वार्म अप एक्टिविटी है जो आप इसे खुद करेंगे। देन आता है हमारा पैसेज हर बार की तरह हर यूनिट में। इस बार आपको रीडिंग में है फॉर डॉन टू डस्क, यहाँ पे आपको पैसेज दे रखा है जिसे आपको रीड करना है, एंड देन आपको इसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो हर बार की तरह इस बार भी आप ये खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। हर यूनिट में एक पैसेज है, और आप हर यूनिट का एक पैसेज रीड करेंगे एंड देन यू राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और आप पैसेज में करने में अच्छे हो जाएंगे। इट मीन्स यू कैन डू इट ईजिली। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चेक योर प्रोग्रेस जोन में पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। सो ये आप तभी करवाएंगे जब आप इसे रीड करेंगे। सो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको ये खुद करने हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस हैं एंड पैसेज भी काफी इजी लैंग्वेज में दे रखा है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू रीड इट वन टाइम। तो आपको ये सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देन आता है क्वेश्चन टू, सो ये भी पैसेज से रिलेटेड है। सो ये भी आप खुद करेंगे क्योंकि ये पैसेज से रिलेटेड है, आपको उसे रीड करना पड़ेगा। देन अब हम करते हैं वोकैबुलरी। सो बेसिकली जो वोकैबुलरी है वो भी पैसेज से ही रिलेटेड है, पर इसमें हम कुछ कुछ चीजें कर लेते हैं। जैसे कि हर बार की तरह हम ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और आपको पैसेज से वर्ड्स निकालने होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होगी। सो जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे सो आप इसे कर पाएंगे। सो दिस इज डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ जंबल वर्ड दे रखे हैं प्रोफेशन के। प्रोफेशन मीन्स कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर, टीचर। सो ये जंबल्ड हो रखे हैं। सो आपको इनको मतलब सही सही तरीके से लिखना है, एंड देन आपको इनका वर्क बताना है क्या काम करते हैं। सो हम पहला देख लेते हैं। पहला जो ये जंबल्ड वर्ड है, जब आप इसे लिखेंगे सही तरीके से हो जाएगा,
एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, जिनका स्पेस रिलेटेड वर्क होता है. देन सेकेंड जो आपको जम्बल्ड वर्ड है, जब आप इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो बनेगा जियोलॉजिस्ट, GEOLOGIST. देन आपका थर्ड वन है, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स अर्थ की प्रोसेस बारे में, लाइक अर्थ को एक सुनामी, मीन्स अर्थ रिलेटेड चीजें उसमें होती हैं, साइंस दैट रिलेटेड टू अर्थ. देन हमारा आता है थर्ड. जब ये थर्ड जनरल वर्ड आप ठीक करेंगे सो यू विल गेट आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं. ARCHITECT राइट स्पेलिंग ये है. देन आता है फोर्थ. फोर्थ वर्ड जब आप जम्बल वर्ड कोशिश करिएगा बार इन्हें करने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके. एंड फोर्थ वन है हमारा साइंटिस्ट. सो एस सॉरी हाँ SCIENTIST साइंटिस्ट. देन फिफ्थ वन हमारा है, व्हेन यू मेक इट राइट यू गेट प्रोफेसर. एंड जो हमारा लास्ट वन है वो हो गया हमारा सेक्रेटरी. सो ये कुछ जम्बल वर्ड है जो आप जब आप इन्हें ठीक करेंगे सो विल गाइड सम प्रोफेशंस. अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दे रखा है और जो उसका मीनिंग होगा, जो सबसे सही मीनिंग होगा उसे हमें टिक करना है. जैसे कि पहला है मंडेन. सो मंडेन का मीनिंग होता है बोरिंग. ए दैट इज बोरिंग. और ये जो आपको वर्ड से पैसेज से ही रिलेटेड है. देन हमारा सेकेंड है चैट. जो चैट है, चैट क्या होता है? बेसिकली एक कन्वर्सेशन होता है. तो सी वन. देन हमारा अल्टरनेट है. अल्टरनेट का मीनिंग होता है टू थिंग्स हैपनिंग आफ्टर वन अनदर. मतलब कोई एक चीज हुई जो उसके बाद तुरंत दूसरी चीज हो गई, दैट इज अल्टरनेट. उसके बाद हमारा आता है कस्टमर्स. कस्टमर्स क्या होते हैं? पीपल हु कम टू बाय थिंग्स. सी कस्टमर यही होते हैं जब हम कोई चीज लेने जाते हैं. एंड फिफ्थ वन है रिटायर. सो रिटायर मीन्स टू गो टू बेड, दैट इज डी वन. अब हम आते हैं ग्रामर में. सो बेसिकली इस बार हम ग्रामर में डिस्कस करने वाले हैं लिंकर्स. नाउ लिंकर्स क्या होते हैं? मे बी आप लिंकर्स पहली बार सुन रहे होंगे, बट लिंकर्स को हम बोलते हैं कंजंक्शंस. एंड आई थिंक कंजंक्शंस आपने सुना होगा. सो बेसिकली कंजंक्शंस और लिंकर्स वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड, किसी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस या किसी पैराग्राफ को जोड़ते हैं. मीन्स दे जॉइन बाय सम वर्ड. कोई भी अगर चीज एक दूसरे से जॉइन हो रही है कुछ वर्ड से तो वो कंजंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. नाउ अर्ली टू बेड एक तरीके से सेंटेंस है एंड अर्ली टू राइज एक तरीके से एक फेज है. अब इन दोनों को ज्वाइन करके एंड के साथ हमने ज्वाइन किया और हमने एक सेंटेंस बना लिया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. इट मीन्स जल्दी सो एंड सुबह जल्दी उठो. सो यही हमारे सारे कंजंक्शंस होते हैं अलग अलग. अब जैसे कि यहाँ पे बट का यूज होगा, येट, हाउएवर, ऑल्दो, इवन दो, इवन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर. सो ये सब हमारे कंजंक्शंस होते हैं जो किसी सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंस. जैसे कि सिंस द नंबर ऑफ कस्टमर रिड्यूस इन द आफ्टरनून, नसीर एंड आई हैव नाइस चैट. सो बेसिकली आप जब इसे एक बार पूरा पढ़िए, यहाँ पे आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एंड सारे कंजंक्शंस को रीड करिए. अब हम आते हैं कंजंक्शंस की एक्सरसाइजेस पे. दैट इज चेक योर प्रोग्रेस 3. सो यहाँ पे आपको कंजंक्शंस, आपको ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इनमें कंजंक्शंस लगाने हैं. कंजंक्शंस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं ब्रैकेट में, एज सून एज व्हेन, आपको सही जगह लगाने हैं. तो इसे कर लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो हमारा पहला है द ट्रेन स्लोड डाउन, ही जंप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे अब आपको सेंटेंस दे रखा है और आपको कंजंक्शन लगाना है एज सून एज. सो हम इससे कंजंक्शन लगा के लिख सकते हैं. हमारा कंजंक्शन आएगा शुरू में, एज सून एज द ट्रेन स्लोड डाउन. जैसे ही ट्रेन थोड़ी धीमी हुई, ही जंप ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे उतर गया. देन हमारा सेकेंड है आई रीच द स्कूल द असेंबली हैड ऑलरेडी बिगिन. जब मैं स्कूल पहुंची असेंबली शुरू हो गई थी. कंजंक्शन हमारा वेन लगाना है. सो यहाँ पे भी वेन शुरू में आएगा. वेन आई रीच द स्कूल द असेंबली हैड ऑलरेडी बिगिन. देन थर्ड है शी लेफ्ट दिल्ली लास्ट वीक, वी हैवंट हर्ड फ्रॉम हर आफ्टर दैट. उसने दिल्ली छोड़ दिया लास्ट वीक और हमने उसके बारे में नहीं सुना. कंजंक्शन है सिंस. तो यहाँ पे भी सिंस पहले आएगा. Since she left Delhi last week, we haven't heard from her after that. जरूरी नहीं है हर बार कंजंक्शन शुरू में आए. नाउ मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट बता दूं. जब भी हम कंजंक्शन लगाते हैं तो बेसिकली कंजंक्शन हम किसी दो फ्रेजेस को जोड़ के एक फ्रेज बनाते हैं. सो जब भी हम कंजंक्शन लगाते हैं जो हमारे फुल स्टॉप होता है वो हट जाता है एंड वो कॉमा में हो जाता है. जैसे कि द ट्रेन स्लोड डाउन था तो उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप था, वो हट जाएगा, वो कॉमा में हो जाएगा. और जो हमारा ही का एच कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा. तो जो टोटल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एज सून एज द ट्रेन स्लोड डाउन ही जंप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म. यहाँ पे आपको दो फ्रेज दिए हुए हैं, एक पहला और दूसरा, एंड आपको इसे एक बनाना है. सो फुल स्टॉप हट जाएगा एंड वो कॉमा में जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. सो हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड वाला. Since she left Delhi last week, we haven't heard from her after that. अब आता है फोर्थ वाला.
I read the letter, tear came into my eyes. जैसे मैंने letter पढ़ा, मेरे आँख से आँसू निकल आए. Conjunction आपको whenever दे रखा है. So यहाँ पे भी whenever शुरू में आएगा. Whenever I read the letter, tears came into my eyes. अब जो हमारा fifth one है, वो थोड़ा अलग है. Our car neared the village, my heart was filled with old memories. जैसे ही मेरी गाड़ी विलेज के पास पहुंची, so जो मेरा heart था उसमें memories आ गई. अब यहाँ पे सेंटेंस में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा. अब हम सबसे पहले लिखेंगे माय हार्ट वाज फिल्ड विद ओल्ड मेमोरीज. अब स्टार्टिंग हमारी होगी माय हार्ट वाज फिल्ड विद ओल्ड मेमोरीज एंड देन हमारा कंजंक्शन आ जाएगा एज. सो माय हार्ट वाज फिल्ड विद ओल्ड मेमोरीज. माय हार्ट वाज फिल्ड विद ओल्ड मेमोरीज एज आवर कार नियर्ड द विलेज. मींस जो हमारा सेकंड फ्रेज था अब वो पहले आ जाएगा, देन हमने कंजंक्शन लगाया एज, और जो हमारा फर्स्ट फ्रेज था आवर कार नियर द विलेज अब वो पहले आ जाएगा. सो इस तरीके से भी कंजंक्शन लगते हैं. ऐसे जो हमारा लास्ट वाला है ऐसे पढ़ते हैं, हर फादर वॉज अब्रॉड लास्ट वीक, शी हैज बीन फीलिंग लोनली आफ्टर दैट. सो उसके फादर दूर चले गए थे अब्रॉड लास्ट वीक, सो शी वॉज फीलिंग लोनली. अब यहाँ पे भी ऐसे होगा, पहले हम लिखेंगे शी हैज बीन फीलिंग लोनली. क्यों? क्योंकि सिंस हर फादर इज अब्रॉड, क्योंकि उसके फादर दूर हैं. सो कंजंक्शन अलग अलग तरीके से भी लग सकते हैं, इवन मिडिल ऑफ द सेंटेंस में, लास्ट ऑफ द सेंटेंस में और शुरू में भी लग सकते हैं. नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि सिर्फ एक क्रॉसवर्ड है. ये जो आपको क्रॉसवर्ड दे रखा है इसे आपको फिल करना है कंजंक्शन लगा के, तो सिर्फ ये प्रैक्टिस करिए. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब हमारा नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो बेसिकली आपको साइड में ऊपर कंजंक्शन दे रखे हैं, वो आपको पहले क्रॉसवर्ड यानी से फिल करने हैं, एंड देन जब आप फिल कर लेंगे सो अक्रॉस और डाउन जो आपने फिल करा वो उससे लिखना. जैसे कि पहला है ही मस्ट बी वेरी पॉपुलर डैश एवरीवन इन स्कूल नो हिम. सो ही मस्ट बी वेरी पॉपुलर फॉर एवरीवन. सो जब आप ऊपर जो आपको एक क्रॉसवर्ड दे रखा है आप इसमें पहले फॉर फिल करेंगे अक्रॉस के थर्ड वन में, एंड देन आप इसे नीचे करेंगे. सो ये सिर्फ प्रैक्टिस में है, सिर्फ आप जिससे कंजंक्शन अच्छे से समझ जाए इसलिए आपको दे रखा है. सो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जो भी कंजंक्शन से रिलेटेड है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे आपको सिक्स आपको क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपको राइट कंजंक्शन से फिल करना है. तो सबसे पहला है डोंट गो आउट डैश यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. सो डोंट गो आउट अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता तुम बाहर नहीं जाओगे. सेकेंड है मेक श्योर यू क्लोज ऑल द विंडोज डैश इट स्टार्ट्स टू रेन. सो मेक श्योर यू क्लोज ऑल द विंडो बिफोर इट स्टार्ट टू रेन. बारिश होने से पहले सारी विंडोज को बंद कर लो. आई थिंक आई नो डैश ही लेफ्ट द जॉब. सो आई थिंक आई नो वाई ही लेफ्ट द नो. शायद मैं जानती हूँ उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी, वाई. देन हमारा फोर्थ वन है डैश आई हैड नो हाउ मच आई वुड डिसअपॉइंट हिम आई वुडंट हैव डन इट इफ आई हैड नोन आ जाएगा इसमें. यानी अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ है तो मैं ऐसा नहीं करती. देन हमारा आता है फिफ्थ वन डैश ही सॉ मी गेट इन टू द हाउस दे आर रश आउट थ्रू द विंडो एज सून एज. जैसे ही उसने मुझे देखा देन होल सेंटेंस. देन हमारा आता है सिक्स्थ वन इट यूजली क्वाइट सिंपल टू क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड कैनेडा बिकॉज दीज टू कंट्रीज हैव फ्रेंडली रिलेशन. क्योंकि नाउ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कंजंक्शन से रिलेटेड है. तो इसमें टोटल सेवन आपको बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस को रीराइट करके लिखना है, और अगर जरूरत पड़े तो कंजंक्शन इसमें लगाने हैं. सो ये टोटल सेवन है. सो अगर मैं सब करा दूंगी तो आपकी कंजंक्शन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. सो मैं थ्री आपके लिए करा देती हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं एज अ प्रैक्टिस. तो जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा था एक एज एन एग्जाम्पल द रीजन वाई ही अप्लाइड फॉर अ जॉब अब्रॉड वॉज टू अर्न मनी. वो दूर जाके जॉब इसलिए करना है क्योंकि उसका मेन एम है पैसे कमाना. जब इसे रीराइट किया गया तो सबसे पहले कंजंक्शन यूज किया गया सो दैट ही कुड अर्न मनी. वो पैसे कमा सके इसीलिए ही अप्लाइड फॉर अ जॉब अब्रॉड. अब्रॉड का मीन होता है दूर, कहीं दूर जाना. सो इसी तरीके से आपको नीचे अगर कंजंक्शन की जरूरत है या नहीं लगे तो कंजंक्शन लगाना है, फिर से लिखना है. अब जैसे कि था अ सिंगल पर्सन कुडंट लिफ्ट द पैकेज बिकॉज इट वॉज वेरी हैवी. एक अकेला आदमी उस पैकेज को नहीं उठा सकता क्योंकि वो हाथ भारी है. सो स्टार्टिंग आपको ऑलरेडी दे रखा है द पैकेज वॉज सो. सो जो आप आगे क्या लिखेंगे द पैकेज वॉज सो हैवी दैट अ सिंगल पर्सन कुड नॉट लिफ्ट इट. ऐसी थर्ड वाला है द ऑर्डर अराइव्ड लेट बट वी वर एबल टू सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम. ऑर्डर लेट आया लेकिन हम गुड्स फिर भी टाइम पे सप्लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पे कंजंक्शन यूज हो रहा है ऑल्दो. सो ऑल्दो द ऑर्डर अराइव्ड लेट वी वर एबल टू सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम. अब जो आपके बच्चे हुए हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये एज अ प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे, देन आप और अच्छे समझ लेंगे कंजंक्शन को. नाउ आता है हमारा स्पीकिंग. सो स्पीकिंग में
इंटरव्यूइंग की बात हो रही है, इट मींस इंटरव्यू। यहाँ पे आपको दो तरीके की सिचुएशंस दे रखी हैं जो आपको खुद एक तरीके से करना है। सो बेसिकली ये भी डू इट योरसेल्फ है, फिर मैं आपको बता देती हूँ वहाँ करना क्या है। सो यहाँ पे बोला गया है, आप इमेजिन करो खुद को स्टूडेंट और आपको एक इंटरव्यू लेना है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन होते हैं? जो फ्लावर्स के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, मीन्स जो उनका स्ट्रीम होता है वो फ्लावर्स का होता है। तो आपको उसका इंटरव्यू लेना है। सो आपको कोई ऐसे 6 क्वेश्चंस बनाने हैं जो आप उससे पूछो। अब वो क्वेश्चन उसके डेली रूटीन के भी हो सकते हैं या फिर उसके प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, जैसे कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं, आप फ्लोरिस्ट की लाइन में क्यों जाना चाहती हैं, आपको फ्लावर्स इतने क्यों पसंद हैं, आप अपने फ्लावर्स कहाँ से लाती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ 6 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। सो ये आप खुद करेंगे, सो प्रैक्टिस होगी। इवन मैंने बता भी दिया आप कैसे कैसे क्वेश्चंस ले सकते हैं। देन जो हमारा सेकंड है, वो जो आपने फ्लोरिस्ट से क्वेश्चन पूछे, आपको उसका आंसर खुद देना है। लाइक आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि वेयर डू यू गो एंड बाय द फ्लावर्स इन बाय। सो ये आपका क्वेश्चन था, अब आपको इसका आंसर देना है। आई गो टू शबर्स वेयर आई गेट अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एट वेरी रीजनेबल रेट। सो जो 6 क्वेश्चन पूछे आपको नीचे उसके आंसर लिखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। नाउ आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, यूनिट का, लिसनिंग टाइम मैनेजमेंट। मतलब लिसनिंग में आज हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। टाइम का मैनेज होना बहुत जरूरी होता है और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो आपके ऑडियो सेशन में हर बार एक पैराग्राफ होता है, इस पर आपको टाइम मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। सो हम वो टिप डिस्कस करेंगे यहाँ बहुत शॉर्ट शॉर्ट में। आप अपनी बुक में जो आंसर्स होते हैं पेज नंबर 36 में कुछ टिप्स पढ़िए, जैसे कि सबसे पहला आता है मेक आ डू टू लिस्ट एवरी डे। अगर आपको टाइम मैनेज करना है, आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा होता है कि आप हमेशा लेट हो रहे हो, टाइम ही नहीं है जो लोग बोलते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स हैं। वैसे तो आपको यहाँ 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है मेक अ डू लिस्ट एवरी डे। ये आपको करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीजें भूल जाते हो। सो आप पहले एक डू लिस्ट बनाओ कि आपको आज के दिन में करना क्या है, और उसमें से भी आप जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें ऊपर लिखो एंड जो चीज कम इंपॉर्टेंट है आप नीचे लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपका कल इंग्लिश का पेपर है, सो आपको इंग्लिश रिविजन पेपर है, आपको इंग्लिश का चैप्टर याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हुआ टॉप में, इंग्लिश का पेपर, एंड एक दिन बाद साइंस का पेपर, तो फिर साइंस का चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है तो वो बॉटम पे आ जाएगा। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करना है, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में करना है। थर्ड वन है यूज स्पेयर टाइम वाइजली। सो बेसिकली जो हमारा स्पेयर का मीनिंग होता है खाली समय, जो भी हमारा खाली टाइम होता है उसे भी यूज करना। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कभी आप बस से ट्रेवल कर रहे हो या मे बी आप बस से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर आ रहे हो, तो वो आपका खाली टाइम होता है, उसमें आप कुछ रीड कर सकते हो। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल एंड यू विल किल 2 बर्ड्स विथ 1 टाइम, बोलते हैं ना एक तीर से 2 निशाने लगाना, तो वो वाला काम आपको करना चाहिए। देन आता है इट्स ओके टू से नो। कभी कभी किसी चीज के लिए मना कर देना अच्छा होता है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कोई आपसे बोले कि थर्सडे नाइट आपको कुछ काम करना है और उसके अगले दिन आपका फाइनल पेपर हो नेक्स्ट मॉर्निंग, सो आपको कभी कभी उस चीज के लिए नो कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है सो जो उसके पहली वाली रात होती है वो हमें आराम से रेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारा अगला दिन अच्छा जाए। तो कभी कभी नहीं कहना भी सही होता है। देन फाइंड द राइट टाइम। फाइंड द राइट टाइम बेसिकली जब भी आप कोई काम करो सबसे पहले आप ये देखो कि वो सही टाइम है या नहीं। जैसे कि ऐसा अगर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, अगर आपका जो दिमाग है वो मैथमेटिक्स अगर आप दोपहर में पढ़ते हो आफ्टरनून में तो सही रहता है, लेकिन अगर वहीं आप रात में पढ़ने लगते हो तो आपको इतना समझ में नहीं आता। तो पहले आप ये समझो कौन सा टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आप ये बात क्लियर हो जाएगी सो आप दोपहर में मैथमेटिक्स कर लो एंड नाइट में कोई और सब्जेक्ट कर लो, सो इससे आपका टाइम बच जाएगा। देन रिव्यू योर नोट्स एवरी डे। अब जो भी आप नोट्स बनाते हो वो आपने एक बार बनाए, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आप भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसे रिवाइज करते रहना चाहिए, इससे वो हमें याद रहता है, वरना आपने एक बार पढ़ लिया फिर जब आप बाद में खोलोगे तो आप उसे भूल जाओगे। सो हमें रिवाइज करना चाहिए। देन गेट अ गुड नाइट स्लीप, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। गेट अ गुड नाइट स्लीप मीन्स हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हम काम करते हैं, थके हुए होते हैं, अगर हमारी रात अच्छी नहीं गई, नींद अच्छी नहीं आएगी, तो अगले दिन हमारा बेसिकली नींद नींद सा लगता है। सो गेट अ गुड नाइट स्लीप। देन आता है कम्युनिकेट योर शेड्यूल टू अदर्स। अब ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारा फोन बज गया, किसी का फोन आ गया, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। फिर आप पढ़ रहे हो, फोन आ गया, आप अपने दोस्त से बात करने लगे हो, फिर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता। तो यहाँ पे जो आपको तरीका बताया गया है, मे बी वो थोड़ा सिली होगा बट आपकी मदद करेगा। आप एक टाइम बना लो कि इस टाइम फोन आने चाहिए, इट मीन्स आप अपने फ्रेंड को बता दो अगर मुझे तुमसे कोई भी काम है, कोई भी मदद चाहिए, तो मुझे 7 से 8 या 6 से 7 के बीच फोन करो, मैं फ्री रहता हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाऊंगा। ये थोड़ा अजीब सा लगेगा पर आपकी काफी मदद करेगा।
तो यहाँ पे आपकी काफी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि फिर बिकम अ टास्क मास्टर। तो जब भी आपको कोई फ्री टाइम हो तो उसमें आप टास्क कोई, मतलब आप अपना फ्री टाइम बर्बाद मत जाने दो, उस टाइम आप कोई एक्टिविटी कर लो, कोई एक्टिविटी प्लान कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है डोंट वेस्ट टाइम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। इट मीन्स ऐसा बहुत बार होता है कोई चीज हम सोचते हैं करें ना करें और पूरी शाम उसी में चली जाती है, टाइम बर्बाद। वो चीज हमने करी नहीं करी पता नहीं, बट हम पूरा टाइम बर्बाद कर दिया यही सोचते सोचते करें या नहीं करें। सो बेटर है करनी है तो करो, वरना मत करो दूसरा काम करने लगो, बट एक चीज को सोचते हुए टाइम बर्बाद नहीं करना। सो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे रखी हैं जो आपको फॉलो करनी है, ये सारी चीजें याद रखनी है, इससे आपका टाइम मैनेज रहेगा। सो यही चीज आपको यहाँ दे रखी थी ऑडियो में। अब जब हम वापस आते हैं अपने उस प्रोग्रेस में, सो अभी जो मैंने आपको बताया वो एक ऑडियो था जो किसी स्कूल काउंसलर ने स्टूडेंट्स को दिया कि अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे जिस टाइम वो काउंसलर आपको बता रहा था, आपका एक फ्रेंड एब्सेंट था, तो आपको वही चीज अब आपको लिखनी है, आपको वही टाइम मैनेजमेंट की टिप्स लिखने, एक लिस्ट बनानी है उसे समराइज करके, मतलब पूरा नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अभी मैंने आपको बताया उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उन्हें आप लिखिए, एंड यू हैव टू डू लाइक अ पैराग्राफ, एक तरीके से आपको लिखना है। सो अब इसे खुद करेंगे सो आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देन हमारा आता है स्टडी स्किल्स में प्लानिंग अहेड। अब अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं, सो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। you know, हमें लाइफ टाइम एक बार मिलती है, लाइफ एक बार मिलती है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, एंड वो सब करने के लिए हमारे ऑलरेडी बहुत सारे गोल्स होते हैं कि मुझे ये बनना है, उसके बाद मुझे ये करना है। सो वो जरूरी भी होता है, हमें अपनी लाइफ में प्लानिंग रखनी चाहिए। सो बेसिकली जो आपकी स्किल्स है वो आपको यही कहती है कि जो भी आपके गोल है आपको पहले से डिसाइड करके रखने होंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको सबसे पहले करना है। बहुत से लोगों के बहुत सारे गोल होते हैं, किसी के 4 गोल हैं, किसी के 5 गोल्स हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है उसके बारे में सोचिए, वो स्पेसिफिक टारगेट के बारे में सोचिए। एंड ऐसा नहीं है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं आज ही से, मतलब डॉक्टर बनना है तभी थोड़ी ना बनना, बाद में बनना है, नहीं। कोई भी चीज की तैयारी बहुत पहले से होती है। जो हमारा गोल होता है जरूरी नहीं वो एक दिन में पूरा हो, एक हफ्ते में पूरा हो, साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। तो जो भी आपका गोल हो उसकी तैयारी अभी से शुरू करिए। फिर आता है हमारे बहुत सारे गोल होते हैं, सो बेसिकली जितने भी आपके गोल हैं आप उन्हें अरेंज कर लीजिए कि सबसे पहले मेरा कैरियर जरूरी है, करियर जरूरी है, तो मुझे सबसे पहले डॉक्टर बनना है। फिर आपका एक और गोल है कि मुझे घर खरीदना है, सो देन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो उसे सेकंड में रखिए। इस तरीके से आप अपने गोल्स को पहले एक तरीके से प्लान करिए, एक टेबल बनाइए एंड फिर उस पर काम करिए। डेवलपिंग ए स्पेसिफिक गोल, एक तरीके से कह सकते हैं आपकी बुक में दे रखा है स्मार्ट गोल के ऊपर। ये सब जो मैंने आपको बताया वही चीज है। अब आता है स्मार्ट गोल, यानी आपको स्मार्ट रहना है, जैसे कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंटेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली एंड ट्रैकेबल। सो जो भी गोल है आपको प्लान करके रखना है, उसी के लिए आपको एक्टिविटी दे रखी है, चेक योर प्रोग्रेस 6। यहाँ पे संडे से सैटरडे तक एक हफ्ते के लिए आपको एक प्लान बनाना है कि आपको कौन से वक्त क्या करना है। हम बेसिकली टाइम टेबल्स बनाते हैं बट उन्हें फॉलो नहीं करते, तो आपको एक तरीके से आप टाइम टेबल बनाना है कि आपको एक मंथली प्लानर दे रखा है, आप कुछ भी बनाइए, एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मंडे भी दे रखा है कंप्लीट असाइनमेंट 3, फिर उसके बाद मुझे योगा क्लास के लिए जाना है, एंड इस तरीके से आप पूरा एक टाइम टेबल बनाइए एंड फॉलो करिए, और ये आपको मदद करेगा, इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। अब माता आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में बताया इस बार हम पढ़ने वाले हैं अबाउट माई सेल्फ एंड अदर। बेसिकली राइटिंग सेक्शन में अपने बारे में इस बार हमें पढ़ना है, अपने बारे में बताना है। चेक योर प्रोग्रेस 7 में व्हाट सॉर्ट ऑफ योर पर्सन आर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताना है, आई एंजॉय, जो भी आपको पसंद है, आई एंजॉय रीडिंग, आई लाइक चॉकलेट्स, जो भी आपका फेवरेट सिंगर हो, द सॉन्ग यू लव, द बुक यू लाइक, द पीपल आई एडमायर। इस तरीके से आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको खुद अपने अपनी पसंद के बारे में बताना है 12 तक। नाउ आपको क्या करना है, आपसे ऊपर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब आपको क्या करना है कि आपके ऊपर थे, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर थे, बस अब आपको थोड़ा और लिखना है। इट मींस आपको अपनी एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी लिखनी है 250 वर्ड्स में, जिसमें आप अपने बारे में बताओगे, आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, उसके बाद आप अपने गोल के बारे में बता सकते हो। जैसे कि आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे मैं आपके लिए थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, बट आपको बेसिकली खुद करना है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे आपको एक सैंपल दे रखा है, जिसका एक लड़के ने एक सैंपल दिया है, बॉय, जिसका नेम है आदित्य गुप्ता। सो अपने बारे में यहाँ पे बताता है, माय नेम इज आदित्य गुप्ता, आई एम 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ एमटी इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल का नाम बताता है, उसके बाद वो अपनी हॉबीज के बारे में बात करता है, मेरी काफी सारी हॉबीज हैं, जैसे कि मुझे बाहर खेलना पसंद है, आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद है, टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, मैं काफी अच्छा स्विमर भी हूँ। तो आप जब भी अपने बारे में लिखें तो पहले तो अपने टैलेंट्स बताएं, आप किस चीज में अच्छे हैं, उसके बाद वो अपने खाली टाइम में कभी कभी बुक रीड करता है, कभी टीवी देखता है यानी वॉचिंग टेलीविजन, एंड कभी इंटरनेट चलाता है, सिर्फ इंटरनेट। उसके बाद उसे डिफरेंट काइंड के
म्यूजिक सुनना भी पसंद है। सो यहाँ उसके म्यूजिशियन के बारे में बताया गया, जैसे कि मेरा फेवरेट म्यूजिशियन एक रॉक बैंड है जो ग्रीन डे है। सो आप भी अपने म्यूजिशियन, डांसर, सिंगर जो भी फेवरेट है लिख सकते हैं। उसके बाद उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, लाइक मैं जो पीपल एडमायर मीन जिन्हें आप फॉलो करते हैं आपके लिए वो इंस्पिरेशन है। सो उसके लिए वो है बिल गेट्स एंड महात्मा गांधी, तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर बताया गया कि मैं कब गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे अंदर स्पेशल टैलेंट ये है कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ। अब बताया गया लास्ट में माई शॉर्ट टर्म गोल आर टू डू वेल इन स्कूल्स। गोल्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स मीन छोटे मोटे गोल, एंड एक जो गोल जो हमारा मेन लाइफ का गोल है। तो जैसे कि उसके शॉर्ट टर्म गोल्स है स्कूल में अच्छा करना एंड गेट एडमिशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी। देन माय लॉन्ग टर्म गोल जो हमारा है वो मुझे एक इंजीनियर बनना है, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो इस तरीके से आप अपने बारे में लिख सकते हैं, आपको क्या पसंद है, आप अपनी हॉबीज, अपने गोल्स। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपको करना है। तो अब आपको नीचे की ओर क्वेश्चन दे रखा है, बेसिकली आपको यहाँ पे एक तरीके से सिचुएशन दे रखी है। सिचुएशन आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे इमेजिन दैट यू आर अ सेल्समैन इन अ शॉप। अब आप एक सेल्समैन है शॉप में, यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का वर्क है आपका, रेडीमेड गारमेंट, शूज का, कोई भी शॉप हो सकती है, ठीक है। अब आपको ऐसे 5 एक्टिविटीज लिखनी है जब आप करेंगे, जब आप एक सेल्समैन से शॉप में होंगे। ऐसे नीचे दे रखा है, अगर आप व्हाट कुड बी द डेली रूटीन ऑफ अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, अगर कोई माँ है जो कोई माँ है जिसके 3 बच्चे हैं तो उसकी रूटीन क्या होगी डेली की। सो यहाँ पे अपने आपको आपको इमेजिन करना है। फिर यहाँ पे दे रखा है इमेजिन यू आर अ पॉलिटिशियन। सो इस तरीके से आप खुद को इमेजिन करिए और अपनी इमेजिन पावर से, आपकी जो थिंकिंग पावर है, क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, डेली रूटीन क्या हो सकती है। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो डेली रूटीन के ऊपर है। सो आपको लिखनी है, तो ये आपको डू इट योर सेल्फ है, आपकी बुक में भी दे रखा है यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। सो आप ये खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपको कह रही हूँ खुद करने को, एक बार आप करिए, आप इससे अच्छे से कर लेंगे और आपको वो चीज परफेक्टली आ जाएगी। एट लास्ट हर बार की तरह इस यूनिट में भी आता है प्रोनाउंसिएशन। और इस बार प्रोनाउंसिएशन में हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इंटरव्यू के बारे में, इस बार इंटरव्यूइंग भी था हमारे इस यूनिट में। सो यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन दे रखे हैं जो फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं इंटरव्यू में, पूछे जाते हैं। सो आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और आपके हिसाब से इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपको बताने हैं। सो मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसके आंसर क्या होगा आप सोचिएगा एंड कमेंट करिएगा। जैसे कि पहला है, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में मुझे क्या बता सकते हो। कैन यू लिस्ट योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत क्या है, कैन यू लिस्ट योर स्ट्रेंथ। व्हाट वीकनेस डू यू हैव, आपके अंदर वीकनेस क्या है। व्हाई शुड आई कंसीडर हायरिंग यू, मैं आप ही को क्यों कंसीडर करूँ, आप ही को यहाँ क्यों बुलाऊं। देन वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पाओगे। Why do you want to work here? आप यहाँ काम ही क्यों करना चाहते हो। Why? What is your salary expectations? आप कितनी अपनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। What motivates you? क्या चीज आपको motivates करती है। What make a good team player? Now आप देखिए, इतने सारे क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आ गया टीम प्लेयर के ऊपर। सो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में आप ये भी देख सकते हैं। देन हमारा लास्ट आता है, इज देर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी, ऐसी कोई चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। सो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे, एक ने एक बार आप पढ़िए एंड आप सोचिए आपके सक्सेस का आंसर क्या होगा। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, दैट इज यूनिट 2। इसमें हमने बेसिकली टाइम को कवर करना सीखा, लोगों की डेली रूटीन क्या होती है ये सीखा, ग्रामर सेक्शन में हमने लिंकर्स यानी कंजंक्शंस को डिस्कस किया, लिसनिंग सेक्शन में हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया, राइटिंग में हमने माइसेल्फ यानी अपने बारे में लिखना सीखा एंड प्रोनाउंसिएशन में इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम भी कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 मनी मैटर है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है उसे डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो थोड़ा कंटेंट उसका अलग है। सो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो यूनिट 4 होगी, दैट इज पब्लिक सर्विसेज। सो बाय बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।